नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया यूट्यूब न्यूज। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, हाँ गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, ये कथन है कुलदीप यादव। आपको बताना चाहेंगे कुलदीप यादव पियारो सरताज ग्रुप के आज सूर्य ग्रहण के मौके पर गौ माताओं को हरी सब्जियां, हरी घास और फल खिलाए। कुलदीप यादव ने कहा कि आषाढ़ी अमावस्या के दिन पूर्व वो जो की आत्मा की शांति के लिए पवित्र दिन में नदी में स्नान किया जाता है और दान दिया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ी अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस अवसर पर उनके साथ दिनेश सोनी, अमित रिवासा, पवन माजरा, संदीप जूक मौजूद थे। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 21 जून ये योगा दिवस है। पूरे के विश्व के अंदर इस दिन ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है। आपको बताना चाहेंगे सोहना के विधायक कुंवर संजय सिंह छोंकर ने कहा कि योग ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की पहचान बनाई है, जो भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छठे योग दिवस के मौके पर कस्बे की लोहिया धर्मशाला में योग साधकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को भगाना है तो योग करें। योग प्राणायाम करने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, वही योग प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ाता है। इसे योग करें और निरोग रहें। आज योग गुरु स्वामी रामदेव ने भारतीय संस्कृति की पहचान योग को पूरे विश्व में फैलाकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाया है। उन्होंने मानव सेवा समिति का योग मित्र मंडल का आभार एवं धन्यवाद किया है। मानव सेवा समिति सोहना कोरोना के संकट काल में न केवल सोहना क्षेत्र को संक्रमण से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि पूर्ण रूप से सभी बीमारियों से बचाने के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम की महत्ता को जनमानस में फैला रही है। कर्मों का फल आप सभी जानते हैं, शुभ मिलता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलता है। और पांचवी बात जो है, परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हासिल करके मनुष्य बहुत ऊंची सीढ़ी पार कर सकता है। आइए योग के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य का मोक्ष की प्राप्ति, और ये एक ही साधन है, एक ही मार्ग है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, तो ये ही एक मार्ग है जिसको हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी बहुत अच्छी संख्या में है, विधायक जी भी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत